मेरठ जिले की राशन डीलर ने उत्तर प्रदेश सरकार और खाद्य विभाग पर आरोप लगाते हुए आज से अनिश्चित हड़ताल पर चले गए और अपनी मांगों को लेकर डीएम और कमिश्नर कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग गेहूं का कोटा देते समय वजन घटतौली करते हैं और कमीशन के रूप में डीलर से कमीशन 70 पैसे प्रति किलो से ज्यादा तो कोटा लाने में भाड़े का खर्च दे देते हैं। ऐसे में राशन डीलर कैसे काम करें? इनका कहना है जब तक कमीशन को दोगुना नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल को वापस नहीं लिया जाएगा। ब्लू एक्सप्रेस न्यूज चैनल मेरठ से कैमरामैन नितिन कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। अधिकारी किस तरीके से हमारा शोषण करते हैं बावजूद उसके और कैसे हमें चोरी करना सिखाते हैं ये आज हम उनको सिखा करके जाएंगे। वो एक मुश्त होकर के लड़नी है। सबसे पहला नारा हमारा एक है कि अब चाहे हमारी दुकानों की चाबी हमें फेंक कर देनी पड़े यहाँ कमिश्नरी में और इस्तीफे लिख करके यहाँ अभी जायज करके देने पड़े पर हम दुकान नहीं खोलेंगे। हमारे बाप दादाओं ने हमें कोई पट्टे जमीन के लिख के नहीं दिए जो 40 रुपए हम माल भाड़ा पे ला कर ही खवा दे और उसके बाद में जितना हमें नुकसान होता है वो सारा नुकसान हम झेलते चले जाए। कब तक झेलेंगे हम? हम शबाना चौधरी है और दासने से हूँ। मेरे पापा के नाम की राशन की दुकान है जाहिद अली के नाम से और मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहती हूँ कि ये जितना भी एकत्र हो रहे हैं हम लोग किसी न किसी मिशन के लिए ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा मिशन नहीं है या हमारे साथ कोई हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है। ये सरासर एक अन्याय हो रहा है। अगर हम लोग एक साथ हैं एकजुट है तो ये आवाज जरूर ऊंची होगी और बुलंदियां भी जरूर छुएगी। और मेरा मानना ये है कि सब कहते हैं कि हम चोर हैं। हमारे माथे पे एक धब्बा लगा दिया गया है कि चोर है राशन डीलर। अगर राशन डीलर चोर है तो वो जो सरकार खड़ी है या बैठी है वो क्या है?